साहिबगंज जिले के कई हिस्सों से क्रशर व पत्थर खदानों से बिना माइनिंग चालान के ही ओवरलोड ट्रकों का परिचालन जारी है, जिसे लेकर आए दिन प्रशासन द्वारा छापेमारी जारी है। उसके बावजूद भी माफियों में कोई डर भय नहीं दिख रहा है, जिससे झारखंड सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। वहीं सोमवार को अवैध रूप से हो रहे परिचालन पर लगाम लगाने को लेकर क्षेत्र के सिरासिन में सोमवार को बरहड़वा, पटना, मिर्जापुर एवं गुमानी क्षेत्र के ट्रक मालिकों की बैठक ट्रक मालिक पांचू सिंह की अध्यक्षता में की गई। बरहड़वा के पत्थर खदानों से पश्चिम बंगाल जाने वाले ट्रकों में ओवरलोड पत्थर का परिचालन न हो, इसे लेकर साहिबगंज उपायुक्त महोदय व अंचलाधिकारी बरहड़वा से शिष्टमंडल मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस संबंध में पांचू सिंह ने बताया कि बरहड़वा प्रखंड के ट्रक मालिक अपने अपने ट्रकों में अंडरलोड माल लोड कर परिचालन करते आ रहे हैं, परंतु बरहड़वा के कुछ ट्रक मालिक एवं पश्चिम बंगाल के ट्रक मालिकों की मिलीभगत से कुछ ट्रकों से ओवरलोड वाहनों का परिचालन शुरू है। ओवरलोड वाहनों का परिचालन शुरू होने से सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। ट्रक मालिकों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध रोड में फरक्का के कुछ लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 700 प्रति ट्रिप लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा, आज आप लोग किस विषय वस्तु को लेकर बैठे हैं? हम लोग के यहाँ आज से पश्चिम बंगाल के कुछ लोग अवैध तरीका से हमारे यहाँ के कुछ ट्रक मालिक को साथ को लेकर 700 रुपया प्रति ट्रिप अवैध वसूली कर झारखंड के पत्थर पश्चिम बंगाल की ओर ओवरलोड ले जाना चाहते हैं, जिससे झारखंड का राजस्व का भारी मात्रा में क्षति है और हम ट्रक मालिक एसोसिएशन के ट्रक मालिकों की तरफ से ये कतई नहीं होने देंगे। झारखंड के वासी होने के नाते झारखंड का क्षति नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग ओवरलोड परिचालन को नहीं चलने देंगे, उसको बंद करेंगे। इसलिए हम लोग आज अंचलाधिकारी को एक आवेदन देंगे और उसके बाद फिर हम लोग डीसी को आवेदन देंगे, मंत्रालय को आवेदन देंगे और आज से हम लोग का ये लड़ाई जारी रहेगा कि किसी भी तरह से 700 रुपया अवैध वसूली होने नहीं देंगे, इसके लिए लड़ाई चलेगी।